वेयर इज योर फादर, तेरे तेरे पापा कहाँ पर हैं? वो जब मैं सात महीने की थी, छोटी थी, सात महीना, तब उनका इंतकाल हो चुका था। ओह गॉड, ओके, ठीक है। तो तब वो घर से ना हम ये घर में आ गए। अच्छा, ओके। वैसे मेरा एक बहन है, मतलब एक दीदी है, और दो भाई है। दीदी का तो शादी हो चुका, भाई का भी शादी हो चुका, और एक भाई दादी के घर रहता है। अच्छा, ओके, यार बहुत बढ़िया। सो सी, ये लड़की, मैं जितने भी लोग मेरे को भी सुन रहे हैं ना, ये लड़की अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो अच्छा ब्यूटी, एक क्वेश्चन अभी देख, जैसे तू इतना फेमस हो चुकी है, ठीक है, तो अभी तेरे लिए, तेरे पास प्रमोशंस के लिए फोन आते होंगे, मीटअप्स के लिए फोन आते होंगे, तो कैसा लगता है तुझे? अच्छा तो लगता है, बट मैं ना कभी कभी घबरा जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग है जितना फोन करे। मैं कभी कभी पागल भी हो जाती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर आ जाते हैं। मैंने एक बार ना ऐसे गुस्से में ना फोन वोन बंद करके रख दिया, किसी का फोन नहीं उठाना, जाओ। अच्छा, ओ बाप रे, तो इतने सारे फैंस है यार तेरे, तो मतलब क्या क्या बोलोगी तुम अपने फैंस को? यही है, वीडियो बनाओ, मेहनत करो, और क्या। ठीक है, अभी कुछ सवाल है जो तेरे फैंस पूछना चाहते हैं, तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, ठीक है? हाँ, बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि पहले तो तुम कहाँ से हो ये बता दो। कोलकाता। यो, कोलकाता से? एक्चुअली कोलकाता बहुत ब्यूटीफुल सिटी है यार, मेरे को आना है वहाँ पे एक बार, बहुत अच्छी जगह है। मैं आऊंगी एक बार, तो मैं पक्का देखो कॉल करूंगी, हम लोग मिलेंगे। मैं आऊंगी आपको लेने, पक्का, डन डन डन, ओके। चलो नेक्स्ट, ना तेरे बहुत से फैंस ये बोल रहे हैं कि तेको यूट्यूब पे भी अपना ब्लॉग शुरू करना चाहिए, तो तू क्या सोच रही है उस बारे में, करना चाहती है? ये लॉकडाउन के बाद ही हो जाएगा, अभी तो घर में है ना। अच्छा, हाँ सही है। तो अभी टिकटॉक पे तेरा फेवरेट कौन है ब्यूटी, तू खुद? ठीक है, बहुत क्यूट है यार ये, ओके। और अच्छा, कितने लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि ब्यूटी इतनी क्यूट है तो उसका राज क्या है? मेरा ऐसा राज कुछ नहीं है, मेरी मम्मी है मेरी राज। वैसे मैं ज्यादा मेकअप तो नहीं हूँ, लोग बोलते हैं कि ज्यादा मेकअप कर। एक आंटी आई, ठीक है, तो मैं एक दिन बाहर थी, तो एक आंटी आके बोलती है तू वीडियो बनाती है, मेकअप क्यों नहीं करती, मेकअप कर, ज्यादा मेकअप कर और अच्छी लगी। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं बिना मेकअप के अच्छी लगती, तो मैं मेकअप क्यों करूं। हाँ यार, सो स्वीट, मतलब जितनी भी लड़कियां अभी हम लोगों को सुन रही है ना, सारी लड़कियां ना मेकअप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है कि नहीं मेरे को मेकअप करना है, मेरे को अच्छा दिखना है, ये है वो है, पर यार ये लड़की ना, तू मेरा दिल जीत लिया यार तूने आज, सीरियसली, ओके, आई लव यू टू बेबी, ओके। तो तुमने टिकटॉक क्यों शुरू किया था, क्या सोच के शुरू किया? ना एक्टिंग बहुत पसंद है, तो मुझे डांसिंग और एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो टिकटॉक में सब करते हैं, एक्टिंग में भी करती हूँ। लोग बोलते हैं ना लिपसिंग मेहनत की काम नहीं है, लेकिन लिपसिंग मेहनत है, उस लेवल पे मैच करना मेहनत है। तो अभी अभी जैसे, हाँ बोलो बोलो, वो लिपसिंग के साथ वही एक्टिंग करना भी मेहनत है। हाँ सही है, पर तुम्हारा एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा है, सब बोलते हाँ, मुझे ना अच्छा एक्सप्रेशंस, मेरे घर वाले जब मेरा वीडियो देख के खुश होता है ना, तो मुझे लगता है जो बाहर से देख रहे वो भी खुश हो रहे, तो मैं इसीलिए और भी बनाती रहती हूँ। तो ब्यूटी, अब जब तुम इतना फेमस हो, लोग तुमसे मिलने के लिए यू नो पागल हो रहे हैं, बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आए हैं कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो तुम्हारी मॉम, तुम्हारी जो मॉम है, तुम्हारी माँ कैसे इस चीज को ले रही है? वो तो बहुत खुश है, बट जब मेरे घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना कभी कभी, तो मैं उनको बोलती हूँ मम्मी जाके बोल दो ब्यूटी घर में नहीं, वो दीदी के घर में चले गए। क्योंकि होता है क्या ना, मैं मामा के घर में रहती हूँ, तो वो लोग ये अच्छा नहीं लगते, उनको अच्छा नहीं लगता कि बाहर के लोग घर में आए, बहुत सारे लोग, तो इसलिए मैं मम्मी को बोलती हूँ जब भी कोई आए मुझसे तो उनको बोल देना ब्यूटी घर में नहीं, तो वो लोग चले जाते। तो पर ब्यूटी ये चीज तो अब जैसे तुम और ज्यादा फेमस होती जाओगी, तो ये तो तुम्हारे साथ और ज्यादा बढ़ता जाएगा, लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तो फिर कैसे हैंडल करोगी? अभी तो सोचा नहीं है, बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा घर में। पर तुमको बॉडीगार्ड का जरूरत पक्का है, वो तो मैं फर्स्ट मीटअप पे ही समझ गई थी। हाँ अच्छा, तुम्हारा तुम्हारा फर्स्ट
हाँ हाँ बोलो। इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी मैं उस टाइम, मुझे ना सच में पता नहीं था कि इतना लोग मुझसे मिलने आएगा। वैसे हाँ। तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, मैं अपने बर्थडे पे गई थी तो मुझे लगा 10-20-50 तक आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ। जब मैंने धीरे धीरे देखा इधर उधर, मुझे लोग ही लोग दिख रहा है। एक ना अंकल था जो वहां पे गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, हाँ। तो वो ना मुझे देख कर अचानक से दूसरा शर्ट पहन कैसे बांध के आ गए, तो बोला हाय ब्यूटी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बोला अंकल हाँ जी। तो बोला मुझे आपका, वो ना मुझे उनका वीडियो देख दिखा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ड्यूट किया है। बोला थैंक यू अंकल। बोला वो ना मुझे फोन दे दिया कि वीडियो करो मेरे साथ। उन्होंने टिकटॉक भी ओपन नहीं किया, क्या करते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, बस मुझे फोन दे दिया करो वीडियो मेरे साथ। अरे यार क्या बात है, मतलब इतना प्यार तुमको मिल रहा है तो अब तुमको इस चीज का हैबिट डालना पड़ेगा। वैसे एक बात पता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं फेमस हो गई। तू बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, बहुत ज्यादा, मुझे लगता ही नहीं है पर है। मैं तेरे को सच बोल रही हूँ, देख मैं तेरे को अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं अभी तक मैं ऑलरेडी बहुत से टिकटॉक स्टार्स के साथ मैं लाइव कर चुकी हूँ, ठीक है, तेरे साथ मैं अभी लाइव कर रही हूँ, अभी अभी हम लोगों को 1600 लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ब्यूटी। पर एक चीज क्या, तू अटक रही है। हाँ अब बोल, सपोर्ट कर लोग को, आई लव यू। अरे जो जो जितनों को अगर नहीं सुनाई दिया हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी अटक रही है। जितने भी लोग ब्यूटी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको सबको वो आई लव यू बोल रही है। ओके तो ब्यूटी मेरा नेक्स्ट सवाल ना तुमको कुछ ऐसा है कि आगे तुम्हारे क्या प्लान है, तुम आगे पढ़ाई करोगी, एक्टिंग करोगी, क्या करोगी? मुझे पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है और एक्टिंग तो मुझे करना है, जो भी होगा अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया मैंने, जैसे यहाँ तक उन्होंने मुझे लाया है आगे भी वही लेके जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। ओके सो हाँ, अभी तुम और लोग मुझसे ये तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि तुम किस चीज की पढ़ाई कर रही हो। तुम बैचलर्स कर रही हो ना अभी? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है। ओके अच्छा तू रुक, हाँ तू अटक रही है थोड़ा, रुक रुक रुक। हेलो अभी ठीक हूँ। हेलो हेलो, थोड़ा अटक रही है, मैं तेको वापस लू क्या? हेलो आर यू मैं ठीक। हेलो हेलो हेलो, तू अटक रही है, अटक रही है, अटक अटक के आ रही है अभी। ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक हूँ। ठीक है ब्यूटी, ओके हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ओके अच्छा बहुत लोग ना जैसे मैं तेरे को ये पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोग ने मेरे को ये मैसेज किया है कि सब चाहते हैं कि तेरे साथ एक ड्यूएट करे, तू किसी के साथ ड्यूएट करे, तो तू क्या बोलेगी उन लोगों को? यही बोलू, जो लोग मुझे ड्यूएट करते हैं मैं उनको लाइक भी करती हूँ, उनका हर वीडियो देखती हूँ, लेकिन जो मुझे बोल रहे कि मैं उनके साथ ड्यूएट करूँ, ऐसे मैं उनको बोलना चाहूंगी वो इतना ज्यादा मेहनत करे कि मैं एक दिन जान छिड़कू उनके ऊपर कि मैं इनके साथ ड्यूएट करूंगी तो करूंगी। ऐसा वो बोले मैं करूँ ये अच्छी बात नहीं है, उनका वीडियो ऐसा हाँ, लेवल तक आना हाँ, चाहिए कि मैं पागल हाँ, हो जाऊं उनके साथ ड्यूएट करने। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा क्या बात है। ओके सो ठीक है, ये तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो लोग तुमसे पूछना चाहते थे, और हाँ एक और सवाल है जो लोग पूछना चाहते कि अगर उनको तुम्हें मिलना हो तो क्या करे? घर तो नहीं बुला सकती ना, जब इवेंट होगा बाहर हाँ, जाऊंगी तब मिल लेंगे। हाँ तो जब भी मीटअप होगा ना वो अपने स्टोरीज में टिकटॉक पे डाल देगी, तब आप जाके उससे मिल सकते हो। ओके सो ब्यूटी ये तो क्वेश्चंस थे जो लोग, रुक जाए अच्छा तुम म्यूजिक एल्बम करने का सोच रही हो कि नहीं, कोई सॉन्ग वॉन्ग में आने का? बिल्कुल, मुझे एक ऑफर भी आया है हाँ, तो वो शायद लॉकडाउन के बाद हो जाए।
अच्छा ओके सो जैसे बेटे तुमने बोला कि यू नो तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम इतना रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, तो अब तुम एक ऐसी पोजीशन पे हो, अभी तुम एक ऐसी जगह पे हो जहां से तुम्हारा रिच बनना शुरू होने वाला है। तुम अपनी माँ को वो सब दे सकती हो जो तुम देना चाहती हो, तो कैसा लगेगा तुम्हें, कैसा लग रहा है इस बात पे? मेरा एक छोटा सा सपना है कि मेरी माँ को मैं खुद से एक घर बना के दूँ, अपना घर। ये मेरा सबसे पहला क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओ माय गॉड, मतलब तुम्हारी जो उनको अभी तक नहीं मिला। राइट, कोई बात नहीं, आई विश यू बहुत ही ज्यादा ऑल द बेस्ट कि तुम, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है कि तुम ये चीज कर सको, और आई जस्ट होप तुम्हारी माँ को भी बहुत सारा प्यार यार। थैंक यू सो मच। ओके सो ब्यूटी, ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चन